यहाँ से काम होता है वो तो आप जानवे पड़ते हैं, वो मन का यहाँ पे ऊपर फकीर है एक नीचे फकीर है, उससे कम जैसे हो जाता है। और ये हो गया होल्डिंग, होल्डिंग का तो आप जानवे पड़ते हैं होल्डिंग में, ये हो गया होल्डिंग, होल्डिंग से कम जैसे किया जाता है, ये हो गया होल्डिंग का स्पीड हो गया, यहाँ हो गया वाटर टेम्परेचर, ये हो गया वाटर टेम्परेचर, अरे हो गया लिक्विड का, ये हो गया लिक्विड फ्लोर का, यहाँ पे सर्कुलेशन पॉइंट है, एयर कमाइट है, और पानी चालू यहीं से होता है, बंद भी यहीं से होता है, ये हुआ वाटर टेम्परेचर, वाटर का हीटिंग हो गया। और इधर का कंडीशन अभी सही है फिलहाल, एकदम बिल्कुल अच्छा। ये हो गया आपका पी एल सी मेन, सब कुछ कंट्रोल यहीं से होता है। इसका बारे में तो आपको पता ही होगा, ये पी एल सी है, फाइनल भैया 1400, फाइनल व्यू 400 है, 400 तो आपका हो गया, ये वाला जो हो गया ये आपका मेल्ट पंप का स्पीड हो गया, ये वाला हो गया मेल्ट पंप, मेल्ट पंप का प्रेशर, ये वाला हो गया मेल्ट पंप का स्पीड, ये वाला हो गया मेल्ट पंप का मेन प्रेशर जिससे जाली बस किया जाता है, और ये हो गया आपका वाटर, जो वाटर को ठंडा गर्म कर रहा है उधर का वाटर ट्यूबवेल का, उसका पानी का हो गया ये प्रेशर, कितना का ठंडा है कितना का गर्म है। और इधर आइए, ये हो गया F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, अब आपको आना है F1 में, F1 टिपने का बाद पूरा सब कुछ से होकर देता है, एक नंबर में एक्स्ट्रा डू, यहाँ से होता है आपका डेनियर ज़्यादा मोड चेंज होता है, साइंस मोड और नॉन साइंस मोड, एक नंबर में दिए यहाँ से होता है मोड चेंजिंग, यहाँ से F4 टिपेंगे तो मोड चेंजिंग हो जाए। और फिर आगे मेन मेन्यू में, मेन मेन्यू में आने का बाद मेल्ट पंप में गए, ये हो गया मेल्ट पंप, मेल्ट पंप में जाने का बाद ओके करेंगे, ओके करने का बाद F3 से आपका स्पीड बढ़ेगा और F4 से स्पीड कम होगा। और अगर मेल्ट पंप को चालू करना है तो मेल्ट पंप को चालू करने के लिए मेन मेन्यू में जाके, मेल्ट पंप में जाके यहाँ पे ओके करके यहाँ पे F2 को टिपना है, मेल्ट पंप स्टॉप, मेल्ट पंप स्टार्ट यही होता है, उसके बाद आ जाइए इसमें आपका हो गया होल्डिंग, यहाँ पे होल्डिंग हो गया, होल्डिंग होल्डिंग में जा कर के एक बार टिप देना है, और F2 टिपने से होल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और आ जाइए स्ट्रेचिंग में, और यहाँ पे ही सिस्टम देता है एक नंबर में ही, यहाँ पे टॉप रोला और यहाँ पे नीप रोला, यहाँ पे टॉप रोला है, यहाँ पे नीप रोला है। और आ जाइए नीप टॉप में जाने के लिए इसी को टिपना पड़ेगा तो नीप टॉप चालू हो जाएगा। अब आ जाइए स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग जिसमें रेशियो सेट होता है, स्ट्रेचिंग में आ जाइए, आपका 60 का रेशियो चल रहा है, आपका 60 का रेशियो चल रहा है, 394 का स्पीड चल रहा है मेन लाइन स्पीड, और F2 से चालू होता है, ये भी सारा सिस्टम F2 से होता है स्टार्ट। अब आ जाइए आपका एनलिंग में, ये है एनलिंग, ये वाला एनलिंग है, एनलिंग, एनलिंग में गए, एनलिंग का रेशियो हो गया आपका 990, अब लाइन स्पीड चल रहा है 390। आप आ जाइए इसके बाद जहाँ से ब्लेड उठाया जाता है और ब्लेड गिराया जाता है, और ओवन भी उठाया जाता है, ओवन भी गिराया जाता है, इसी से गिराया जाता है, फिल्म स्लाइडर इज हाइट ओपन ऑफ, यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे आइए इसमें, एक नंबर से ब्लेड गिरता है, दो नंबर से ब्लेड उठता है, और F3 से ओवन उठता है, F4 से ओवन बैठता है,
इसमें बाहर निकलने के लिए आपको एक एक टिपना पड़ेगा बस, और कुछ सिस्टम नहीं है, बस यही नॉर्मली सिस्टम है। ये हो गया आपका हीटिंग, हीटिंग हो गया 260, 295, 286, 285, 280, 270, और ये हो गया नीचे का डाई हीटिंग 265, 265, 265, 265, 265, 265। ये हो गया एडाप्टर, ये हो गया मेल्ट पंप, ये हो गया मेल्ट पंप।